तो भाई न्यूयॉर्क से लेकर अच्छी और लंदन लाहौर तमाम देखने सुन समझने वालों को मेरी यानी आरजे सिंह की तरफ अस्सलाम वालेकुम नमस्ते श्री अकाल। आज हम लोग आए हैं हुसैनाबाद और बता चुका हूँ हुसैनाबाद आए हैं हम लोग और मैं अकेला नहीं हूँ। आज एक बंदा ऐसा वीडियो में आ रहा है, मतलब मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही, ऐसा बंदा वीडियो में आ रहा है जो कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, दोस्त पुराना है मेरा। तो ये है हमारे उस्मान भाई और ये कहते हैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो मैं इन्हीं साथ आया हूँ हुसैनाबाद और यहाँ पर हम लोग आए हैं आज से 1980 से लेकर आज तक जो बर्गर मशहूर है हुसैनाबाद का, हम लोग वहाँ पर आए हैं और आज बर्गर ट्राई करेंगे वहाँ का और बताएंगे कि बर्गर कैसा है और फीडबैक देंगे फिर आपको। हम लोग आए हैं हुसैनाबाद तो मिलते हैं। ओके जी, जैसे बता चुका हूँ मैं आपको, हम लोग आ चुके हैं हुसैनाबाद पे और हुसैनाबाद पे एक, अगर आप आ चुके हैं पहले भी, एक मशहूर बर्गर पॉइंट है यहाँ पे MBC के नाम से, माशाल्लाह बर्गर पॉइंट। और ये अभी से नहीं है, 1980 से यहाँ पर है और अभी हमें रिस्पेक्ट दिए हमजा भाई ने जो क्या के मैनेजर होते हैं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठें फैमिली रूम के अंदर और कुछ स्पेशल डिशेज़ हैं जो हमें बताएंगे, वो टेस्ट करवाएंगे, इसका रिव्यू हम देंगे। और अभी मेरी कोशिश ये वाली है कि अभी हमजा भाई से भी बात करें और उनका क्या फीडबैक है हमारे हवाले से बता सकें आप। ओके जी, जैसे मैंने कहा था आपसे कि हम लोग हुसैनाबाद आए हैं और हमजा भाई जो है कि मैनेजर होते हैं वो उनसे बात करेंगे, तो वो भी मौजूद है हमारे साथ और वो बताएंगे कि जो सर्विंग दिखाएं, थोड़ी दिखाएं सर्विंग ये वाली जो भी है यहाँ पे, ये सर्विंग है क्या, डिश खास कौन सी है और कौन सी डिश का नाम क्या है, तो मुझसे बेहतर जानते हैं हमजा भाई। तो अस्सलाम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, मैंने बहुत सुना था इस बारे में कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बचपन से खाता मारो, एक छूटी बात तो है नहीं ये वाली, पर आज मैं चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें ऐड हो गई हैं, मतलब बहुत नई चीज़ें इसमें आ गई हैं खाने में, तो कौन सी डिश क्या है पहले बताएं अपने बारे में आप, कि आप कौन हैं, यहाँ क्या होते हैं, आपका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा नाम है मेरा, मोहम्मद हमजा नाम है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ ये जो यहाँ के जो ऑनर हैं उनकी सेकेंड जनरेशन में से मैं आता हूँ और हमने इस चीज़ को इसलिए, यानी ये जो बिज़नेस है ये सिंस 1974 से ही मेरे नाना ने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दौर के अपग्रेड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइटम्स इतने अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड कर दिए हैं, जैसे हमने ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड की जो लोग चीज़ अवॉइड कर सकें, जैसे हमने पहले यहाँ पर समोसे, चिकन स्टिक और समथिंग लाइक इस तरह की चीज़ें होती थी, अब ज़्यादातर नोट किया जाता है कि हमने ज़्यादातर आइटम्स के ऊपर ज़्यादा ग्रो किया है, कि जैसे हमारे जो आइटम हो गए आप देख सकते हैं, हॉट शॉट है, ठीक है, इसके अलावा लेग ड्रम है, ठीक है, ये लेग ड्रम है, ये इंजेक्टेड होता है, यानी ये स्पाइसेस इसके अंदर इंजेक्टेड होते हैं, ये आप अगर इसको खाएंगे इसके साथ सॉस होती है, और ये चिकन स्टिक है और मोस्ट फेवरेट हमारी डिशेस में से आती है, चिकन पॉप स्टिक आती है ये और ये चिकन चीज़ बिस्किट आता है जो ज़्यादातर स्पेशल इसमें हमारे आते हैं। और फास्ट फूड के जैसे हमने जिस तरह इंट्रोड्यूस किया है, हमने फास्ट फूड में हमारा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोज आप देख रहे हैं आपके पास ये अलबैग स्टाइल, यानी इसके अंदर जो मसाले वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट अलबैग स्टाइल के ऊपर, आप मैं इसको 100% तो नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट इसको 80-85% मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बिना पे ये चीज़ें ऐसी है जो लोग इजीली अवॉइड कर सके इस दौर में जहाँ लोगों को रहना और खाना पीना मुश्किल और दुश्वारी हो सकती है, तो ये लोगों के लिए हमने ज़्यादातर ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए जो इजीली अवॉइड कर सकें, और यूथ के ऊपर हमने ज़्यादा काम किया कि यूथ है जो जिस ज़्यादा चीज़ ही वही मांगती है कि कोई अच्छी चीज़ और यूनिक चीज़ चाहिए हो, उसके ऊपर बहुत वर्किंग की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी बिना पे ये आइटम्स लॉन्च किए गए। वैसे तो बर्गर हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह 1974 से जब चलते आ रहा है, तो इसी के साथ साथ हमने एडिशन में ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। चंदा भाई, ये कहाँ पर है ये रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता जो बाहर से लोग देख रहे हैं, कभी कराची आते हैं या पाकिस्तान आते हैं,
तो वो कहाँ पर लोकेटेड है ये वाला एरिया, तो कंफर्म कर दीजिएगा सर। ये बेसिकली हमारी जो लोकेशन है कराची का सेंट्रल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेन हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट अपोजिट लाल मस्जिद के अपोजिट आपको ये कॉर्नर की माशाल्लाह बर्गर कॉर्नर लाइक MBC माशाल्लाह बर्गर कॉर्नर के नाम से ये एक दुकान है और आपको हुसैनाबाद मेन फूड स्ट्रीट में मिलेगी शॉप नंबर 1 और 2 के नाम से, ठीक है। और टाइमिंग इसकी है सुबह 10:30 से लेके सुबह 5:30 बजे तक आपको सर्विंग की जाती है यहाँ पर। हमजा भाई बहुत शुक्रिया आपका, अभी मैं खा के फीडबैक भी दूंगा इस बारे में। और बाकी मैं भाई क्लियर बोल दूँ कि मैं यहाँ पर अभी से नहीं आ रहा, बचपन से आ रहा हूँ। ये बर्गर खाया करता था ना बचपन से और ये एक स्टिक आती साथ के ये खाता था मैं, और अब इतनी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं कि कहते ना कि आप अगर आजकल के दौर में अगर आप कंपटीशन में साथ नहीं खड़े हुए तो आप पीछे हैं। तो ये बिल्कुल बराबर में जो आज हाई फाई चीज़ें आपकी, ये अलबैक चिकन मेरे ख्याल से ये सऊदी में मिलती है वाली ना, सऊदी में, और ये यहाँ पर भी सेम टेस्ट में मिल रही है आपको, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर और अभी खा के आपको फीडबैक देते हैं। तो भाई ये है रिव्यू टाइम और पॉप स्टिक के नाम से एक डिश इनकी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वो ट्राई करेंगे उस्मान भाई, क्योंकि मैं रिव्यू करता रहता हूँ। उस्मान भाई आज नए वीडियो में नया है हमारे पास तो वो रिव्यू करेंगे। उस्मान भाई रिव्यू करें, डिफरेंट टेस्ट है इसका और अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका अलग टेस्ट है और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन है। कितने नंबर दोगे इसको 10 में से? कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से इसको तो 10 में से 10 दूंगा। पहले वाले को बता रहा हूँ, पहले वाले को 10 में से 10 दूंगा और दूसरे वाले को 10 में से 10, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जायका कम है लेकिन देखिए इसका जायका ज़्यादा अच्छा है। ये चिकन हॉट शॉट है और इसको हम टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। इसको मैं 10 में से 11 नंबर दूंगा। बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका, डिफरेंट है और मैंने नहीं खाया इतने मज़े की आज से पहले, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है हर चीज़ से। 10 में से 11। ओके जी, ये जो खाना आपने टेस्ट किया अभी उस्मान का रिव्यू था, अब मैं चेक कर रहा हूँ चिकन ड्रम लेग, मतलब भाई मैंने अलबैग बहुत पहले खाया था, बहुत सालों पहले खाया था, ये उसका वो है ज़ेरॉक्स है, मतलब सेम कॉपी उसकी ये है ये, और इसमें ना वो फ्लेवर इंजेक्ट होता है, मतलब फ्लेवर डलता है इसके अंदर, मतलब सेंज टाइप से, तो ये इसके अंदर तक इसका अपना जाता है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, पर ये बेस्ट है ये वाला। ये अच्छा, अब हम ट्राई करेंगे इनका मशहूर ज़माना बर्गर। मेरे ख्याल से अगर आप कराची में रहते हो और आपने अच्छा बर्गर खाना है, मतलब बन कबाब, बर्गर नहीं बन कबाब, तो इससे बेस्ट बन कबाब पूरे कराची में कहीं नहीं है। अलग अलग जगहों पे बोलते हैं हमारा मशहूर, इनको तकरीबन 50 साल से ऊपर चुके हैं और ये इनका आइकॉनिक है ये वाला बर्गर जो बन कबाब। चूँकि मैंने पहले खाया हुआ ये वाला तो मुझे ना बचपन की दोबारा ताज़ा हो गई, मैं अभी खा रहा हूँ तकरीबन 6 साल बाद, ये वैसे ही है। इसका दी आती है बोटी, ये उसको नहीं पता क्या बोलते हैं, पर ये
ये कॉम्बिनेशन है, आप एक एक बाइट उसकी लें बर्गर की बन कबाब की और एक बाइट उसकी लें सब भूल जाओगे भाई। बेस्ट है भाई, आपने मेरा रिव्यू सुना, उस्मान का रिव्यू सुना आपने, अभी यहाँ के कस्टमर्स का रिव्यू भी बाकी है, क्योंकि आपको लगेगा शायद, पता नहीं हम झूठ ना बोल रहे हो, कस्टमर मौजूद है हमारे साथ, शिजाद नाम है इनका, और इन्होंने अभी खाया है यहाँ पे खाना, उनका रिव्यू बहुत मैटर करता है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो शिजाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिजाद क्या खाया पहले बताएं। मैंने खाया अलबेग गोश्त, जो कि यहाँ का बहुत ही मज़े का है, और उसके साथ जो ये देते हैं सॉस ना, वो सॉस बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही यमी होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है मैंने पहले इस टाइम खाया था, अब मैं बार बार जो है मैं अगर मुझे कहीं बरोस खाने का दिल चाहता है तो मैं यहीं पर ही आता हूँ, जबकि जो है मैं और भी जगहों पे खाया है, लेकिन टेस्ट में जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है जो बात है। कब से इनका कब से खा रहे हैं आप, ये बताएं पहले आप। मैं तकरीबन 2 महीने से हो गए हैं, 2 महीने से मैंने दो महीने में 2-4 दफ़ा खा चुका हूँ, लेकिन जब भी मतलब बरोस खाने का दिल चाहता है तो मैं इधर ही आता हूँ। बरोस के अलावा जो है इनका एक लावा सैंडविच होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वही मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया है, बहुत ही मज़े का होता है, यमी होता है, और वो इतना है मतलब कि हैवी भी होता है कि आप अकेला बंदा तो खा ही नहीं सकता, मतलब मैं तो नहीं खा सकता पूरा। तो शायद अभी आपने ये बताया कि इनका जो बन कबाब है जो जिनसे ये मशहूर है, मतलब मैं बन कबाब लवर हूँ, कहते हैं बिरयानी या बन कबाब, तो शायद मैं बन कबाब की तरफ चला भी जाऊँ, तो कभी ट्राई किया आपने उनका बन कबाब जो साथ रोटी देते हैं लोग, ट्राई किया आपने? नहीं, बन कबाब वाला वो ट्राई नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ जो है इनका जिंगर ट्राई किया है, जिंगर भी बहुत मज़े का होता है, लावा सैंडविच ट्राई किया है, और ये ब्रोस्ट अलबेग ब्रोस्ट, अलबेग ब्रोस्ट ब्रोस्ट स्टाइल जो है इनका अलबेग वाला बड़ा मज़े का होता है वो, और बहुत ही सबसे अच्छी बात ये कि बहुत साफ़ सुथरा हकीकत ये, और मतलब कि एक होता है ना कि ब्रोस्ट पर जो है ना बासबाई होता है कि वो जो है वो एक थोड़ी सी जो है ना वो रह जाती है जो है ना उसको अक्सर रह जाती है, लेकिन जो है मैंने जितनी दवा भी खाया है ना तो वो जो है बिल्कुल जो है ना फ्रेश और जो है बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त, और प्लस सॉस जो होता है सॉस एंड है भाई, मैं कह रहा हूँ ये बात लिख कर स्टैम्प लगा के, सॉस इनके एंड है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे उनके बारे में आपके? आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, बिल्कुल विजिट करें, यहाँ पर आएँ, ये मेन हुसैनाबाद पे, आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें, आएँ अपनी फैमिली के साथ भी आएँ, और इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत अच्छा जो है ना वो फीडबैक वो मिलेगा आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई खाते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे बड़े तो बड़े माशाल्लाह, बच्चे भी वहाँ जा रहे हैं। बेटे क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। आपका क्या नाम है? तिलसा। ये दो बच्चे हैं, इनका वीडियो में आना है आज, है कि इनके वाल साहब वीडियो बना रहे हैं, फैन मोमेंट। तो कुछ बोल, अब्दुल क्या करते हो आप, क्या करते हो आप, पढ़ते हो क्या, पढ़ते हो क्या, पढ़ते हो कुछ तो पढ़ते होंगे चेहरे के अलावा, गहरी बात, क्या पढ़ते हो? ये अच्छा पढ़ते हैं बहुत, ये कोर्स यहाँ पर नहीं होता कि बाय बोलो, बाय बाय टाटा। ओके भाई, खाना माशाल्लाह इतना खा लिया कि मिसाल है ना, यहाँ तक खाना आ गया, वो आ गया, जो कैमरा पकड़ा हुआ उसका भी ये हाल है। और साथ मौजूद है मेरे साथ हमजा भाई पैसे नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मोहब्बत है हमजा भाई की। और जितने भी मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पर हैं और मिले हमजा भाई से, हमजा भाई यहीं पर ही होते हैं। हमजा भाई, एक चीज़ दो सवाल मेरे दिल में रह गया था, वो ये है कि आपकी क्या डिलीवरी का सीन है, कोई डिलीवरी करते हैं आप लोग, और कहाँ कहाँ करते हैं, और क्या सीन, क्या चार्जेस है उसके? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑल ओवर कराची डिलीवर करते हैं, विद इन एरियाज किलोमीटर के हिसाब से हमारे डिलीवरी चार्जेस होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा रूट जिस तरह बनता है उसी तरह से हम डिलीवरी लेके चल रहे होते हैं। और इसके अलावा जिस तरह भाई ने कहा, जैन भाई ने, कि चार्जेस वगैरह के बारे में, तो ये मेरी तरफ़ से जैन भाई को एक तोहफ़ा था, तो इन्होंने कबूल किया मेरा एक तोहफ़ा, और ये आपको बताया कि इन्होंने खाया ये, इनको मैंने एक चीज़ रिकमेंड की थी कि आप ये ट्राई करें, क्योंकि देखें जो मेरी चीज़ स्पेशलिटी है मैं वो बताऊंगा, और मेरा फ़र्ज़ है कि ताकि वो आप चीज़ अवॉइड कर सकें, आपको पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह जैन भाई ने खाया, जैन भाई ने आपको बताया, तो यही चीज़ है भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपसे, क्लियर बोल रहा हूँ कि कभी दिल करे कोई अच्छी चीज़ खाने का, और पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से, मतलब बेस्ट, मतलब मैंने कराची में कोई जगह ऐसी जहाँ मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने ये एक ऐसी जगह थी जो मैं स्टॉप हुआ है मेरा आके ना, मतलब कि
दिल से एक खाना खाया गया, उतना तो खा लिया, मजे का था, ठीक है रिव्यू दे दिया आपने, ये सीरियसली मज़ा आया मुझे खा के, सीरियसली। और यहाँ का जो मेरा जो फेवरेट है ना, वो इनका अलबैक चिकन जो है, पता है मैं इतना बड़ा ख्वार भी सोच रहा था, पैसे ही पता है प्लानिंग करता है बंदा, मैं प्लानिंग ही कर रहा था कि दोबारा दुबई जाऊँगा, अलबैक खा के वापस ही आऊँगा, तो टिकट के पैसे बचा लिए मैंने मेरे। अब जब भी उसनाबाद आऊँगा यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, अलबैक ज़रूर खाऊँगा और आपको भी खाऊँगा, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेस्ट है। सफाई अभी भी देखें, अभी बंदे हाथ में ग्लव्स हैं, हालांकि ये बंदा अंदर नहीं है, ये बाहर है, तो अभी इस बंदे हाथ में ग्लव्स हैं, सफाई इतनी है। और टेस्ट बेहतरीन था। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अभी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना है भाई। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार का इंतज़ार रहेगा मुझे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कैमरे के पीछे वाला बंदा उस्मान और कैमरे के आगे वाला बंदा जैन के साथ, मिलते अगले ब्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। चलो शाबाश, अगला।